अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध की। उन्होंने कहा है कि अनपढ़ असातिज़ा की भर्ती ने तालीमी निज़ाम का बड़ा गर्क कर दिया, सिंध में तालीम की हालत पर रोना आता है। खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की थी सियासी जमात बनाने के हवाले से जो मशवरा दिया था उस पर चीफ जस्टिस साहब भी बरहम हुए हैं। और इसके अलावा हम बात ये भी करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर नई हुकूमत को तकरीबन एक माह हुआ है। बहुत सारे वादे किए हैं उन्होंने, कहा है जी 1 करोड़ नौकरियां भी देनी हैं, 50 लाख घर भी बना करके देने हैं। वो वादे भी साथ साथ याद दिलाते रहेंगे और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी, MNA हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा। जनाब बहुत खुश आमदीद आपको, आप तशरीफ़ लाएँ। यहीं से आगाज़ करते हैं कि कुलसुम नवाज़ साहिबा की बीमारी के हवाले से भी सियासत होती रही और उसमें अच्छी बात यह है कि एतज़ाद अहसन साहब ने इस तरह माजरत की, एक बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है कि ये अच्छा है। लेकिन इस पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है कि मोहतरमा की शहादत हो या नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से जो कुछ भी कहा जाता रहा, आज जो नून लीग वाले इतने ज़्यादा एतराज़ात कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से ये बात अब तक सामने नहीं आई कि जी आप लोग क्या कुछ कहते रहे, माजरत तक नहीं की आज तक इन लोगों ने? देखिए जी, हर एक अपना अपना ज़र्फ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर बिलीव करती है और हमने जो स्ट्रगल की जमहूरियत के खातिर, जो सऊबतें बर्दाश्त की हमारी लीडरशिप ने, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जान दी, फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर जो कुछ हुआ 90s के एरा में, और नवाज़ शरीफ साहब ने उसके मैन मुद्दई थे या जो कुछ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, जितने भी इल्ज़ाम लगे करप्शन के हवाले से, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब पर जो इल्ज़ाम लगे 10% और 100%, ये सारा कुछ नवाज शरीफ साहब ने ही किया था। और मैं कहती हूँ कि ये कुदरत का मकाफात अमल है। आपको सियासत एक इबादत समझ के करते रहना चाहिए, बाकी जो जिसका ज़र्फ होता है बोलता है, जो आज उन्होंने जो कल कहा था आज वो उसको काट रहे हैं। लेकिन हमारा, हम चूँकि उससे गुजर कर आए, हमें उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा, और ये मौका नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। बिल्कुल, वो इस वक्त उनकी फैमिली शदीद कर्ब से गुजर रही है, सदमा है, जाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। और ऐसा कि जब उनकी डेथ हुई तो ना उनका हस्बैंड उनके साथ, ना ही उनकी बेटी उनके साथ, उनकी फैमिली जो है इंतहाई मतलब जेल के अंदर जिस अजियत से गुजर रही, मैं आपके प्रोग्राम के तवसुस से उनकी फैमिली से भी और उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि मोहतरमा कुलसुम नवाज़ साहिबा जो थी, उनकी ज़िंदगी भी उन्होंने उस नामसाइद हालात में जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए अलम उठाया, जिस वक्त उनके नवाज शरीफ साहब के अपने ख़ास लोग भी छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। अच्छा, तो मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये उनका जो एक देरीना, एक सच्चा रफीक हमसफ़र था वो चला गया, ये उनके लिए बहुत सख्त आजमाइश की घड़ी है। सदमा यकीनन बहुत ज़्यादा उनको। अच्छा, इसमें एक और बात है डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा के, हम सियासत के साथ अखलाकियात की जब भी बात करते हैं तो कोई ऐसा क्राइटेरिया क्या आप लोग आपस में तय नहीं कर सकते कि जी किसी की भी बहन, माँ, बेटी के बारे में कम से कम नाजिबा गुफ्तगू ना की जाए जिससे बाद में हमें पछतावा भी हो? कुछ लोग तो चलें पछतावे के बाद एतराफ़ करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, कुछ लोगों ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। तो पढ़े लिखे लोग हैं सियासत में, अब तो सारे ऐसी बात तो नहीं है, फिर क्यों इस तरह के नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की। हमने जमहूरी रवायात को मलहूज़ खातिर रखते हुए सियासत की और अखलाकियात का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो एक सियासत न्यू इंट्रोडक्शन हुई है या इंट्रोड्यूस हुई है, उसके अंदर आपने देखा कि गाली गलोच और ओए अबे तबे इस तरह की अब उनकी बात कर रहे हैं जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, नया पाकिस्तान के नाम से जो कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया। मैं समझती हूँ अभी तो बहुत अच्छा लगा, अब आपको इख्तदार भी मिल गया, लेकिन जो रवैया आपने फ़रोग दिया है, जिसको परवान चढ़ाया, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये यूथ है, नई नस्ल है, क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। लेकिन आज़ादी का गलत जो है मानों में लेना कि किसी की इज्जत को नहीं ख्याल करना, किसी की बहन बेटी या किसी की, हर एक की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हर शख्स की। लेकिन ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर ट्रायल शुरू कर दें। मैं उस रवैये की कर रही हूँ कि जो सोशल मीडिया पर मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा के साथ गुज़िश्ता कई महीनों से जारी था और वो कितनी अजियत से गुजर रही थी, तो उनकी फैमिली जानती थी, वो खुद जानती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत। अच्छा, उसमें सबका हिस्सा है कि माफी मांग ली एतज़ाज़ अहसन साहब ने, लेकिन जाहिर है जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, एतज़ाज़ अहसन साहब ने अपने पर्सनल कोई ड्रामा करार देता रहा, कोई कुछ बातें करता रहा, माफी मांग ली।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने या हम में से किसी ने भी उसको ये नहीं कहा कि ये ड्रामा है। हम उनके लिए हमेशा दुआगो रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अब है कि मगफरत जिस पार्टी के रवैये की आप बात कर रही हैं, अगर बात ये है कि बात एक मैं देख रही थी कि एक ट्रेंड चल रहा है कि जी उनको अपनी बीमारी को बताने के लिए मरना पड़ा, यानी तो ये बड़ा गलत साबित करने के लिए कि मैं बीमार हूँ मरना पड़ा उनको, तो ये बड़ा गलत है कि अगर कोई बीमार है तो हमें ये हमारा मजहब भी हमें कहता है कि उसकी आयादत करें, उसके लिए दुआ करें। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी जो वैल्यूज हैं इस पे अमल करना चाहिए। अच्छा, इसमें जिस पार्टी की जानिब आप इशारा कर रही हैं पिछले 5 साल में वो लोग आए हैं तो उनके साथ तो अब फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार आप अदा करने के लिए तैयार हो गए। देखिए फ्रेंडली अपोजिशन तो इसको नहीं कह सकते, हमें जब हम PMLN के साथ भी चल रहे थे जमहूरियत की बका के लिए वोट देने को आप तैयार नहीं, इस्लामाबाद में अगर एहतजाज हो इलेक्शन के हवाले से आपकी लीडरशिप गायब हो जाती है तो ये अब आप मेरी बात आरिफ अलवी साहब को जिस तरह नहीं आरिफ अलवी साहब को जिस तरह आपने रास्ता दिया सदर बनने का इल्जाम लगाया तो उसका जवाब सुन लें कि हर पार्टी का अपना एक विजन होता है, एक मंशूर होता है, उसके तहत वो आती हैं मुकाबले में। अब हम फजलुर रहमान साहब को तो वोट नहीं दे सकते, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे और उनके नज़रिए के अंदर। अच्छा, एतज़ाज़ अहसन साहब में ऐसी क्या बुराई थी, वो एक इंटेलेक्चुअल भी थे, अब उसके तफसील में नहीं जाती कि वो पूरी कौम जानती कि वो क्या है, ठीक है, और उनके ऊपर किसी को शक नहीं, उन्होंने जमहूरियत के बहाली के लिए अदलिया की बहाली के लिए जो किरदार अदा किया। अब किरदार तो और भी आपके बहुत सारे लोगों ने अदा किया, उन्होंने तो आपको ऑप्शन दे दिया था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को ले आए जी हम तैयार हैं, रजा रब्बानी साहब को ले आए हम तैयार हैं। साहब का और हम सब का फैसला था कि एतज़ाज़ अहसन बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए वो एक बेस्ट नाम था, लेकिन आपने सुक्की कराई एतज़ाज़ अहसन साहब की, आप जानते थे हारना है, जानबूझ के नाम पेश किया आपने एतज़ाज़ अहसन साहब, आपने समझते कि जानबूझ के नाम देकर सुक्की कराई गई है एतज़ाज़ अहसन साहब की, हरगिज़ नहीं, आपकी अपनी सोच हो सकती है। देखें जी पाकिस्तान तो आपको पता था जीत जाएंगे, ये जब वोटिंग नहीं थे आपके पास। देखें जी बात ये कि ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि किसी भी शख्स को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट, और उस वक्त जबकि हमें PTI ने भी यकीन दिलाया था कि जी एतज़ाज़ अहसन के नाम पे हमें तो कोई एतराज नहीं होगा, और उसके बाद जो है हमें ये था कि इनका नाम ऐसा है जिसके जब नवाज शरीफ अपने वकील के लिए तो उनको हायर कर सकते हैं, तो वकला तहरीक में उनका जो किरदार था नवाज शरीफ साहब को एतराज़ नहीं होगा, और उनमें कोई ऐसी खामी नहीं थी कि उनको जो है किसी किस्म का वकील अपने लिए हायर किया था, तो इसलिए किया था वकील बहुत अच्छे हैं, बाकी चीज़ों में एतराज़ है। प्रेसिडेंट भी बहुत अच्छे थे क्योंकि वो जिस तरह लॉ को जानते हैं समझते हैं और पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के लिए मैं समझती बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बातें, लेकिन जिस पोस्ट के लिए बात हम कर रहे हैं उसके बाद इख्तियार क्या थे, क्या करते वहां जाके मिसाल के तौर पर साहब काम, जहां कम से कम जब अमेरिका से एक फोन आता तो एक फोन कॉल पे ढेर नहीं हो जाते, सदर को फोन थोड़ी आएगा, वजीर आजम को आएगा, आता सदर को है, ऐसी बात नहीं, सदर के भी कुछ तो लाइन ट्रांसफर करके देता है वजीर आजम को, ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट के काम, हम सब 5 साल में हमें 14 अगस्त 6 सितंबर को नजर आते थे, ये भी नजर आएंगे, जैसा सदर नहीं लाना चाह रहे थे ना हम, आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे तो आपने देखा उनके पास भी इख्तियार गढ़ बना दिया था अपने ऐवान सदर को, उन्होंने अपने उठाकर पार्लियामेंट को दिए थे जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब, इख्तियार देकर वो खुद जिस तरह बैठे रहे जो कुछ होता रहा उस पर तो बहस लंबी हो जाएगी फिर बहुत ज्यादा, यही तारीख बनी है कि किसी सदर ने अपने तमाम तरह इख्तियार उठा के पार्लियामेंट को दिए, तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उसकी लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। मुखमुखा की सियासत की आप बात करें, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दूं कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी यही PTI धरना दे रही थी, तो जब भी हमने जमहूरियत का साथ दिया था, जमहूरियत का साथ दिया आपने हम पर ये 5 साल आप पूरे कर लें, उन्होंने कुछ नहीं बोला था, अब आप पूरे कर लें हम कुछ नहीं बोलेंगे, गलत साबित हो गया कि जी 5 साल की आपने क्या पोजीशन, अपोजिशन हमने असूलों की हमने धरने का साथ नहीं दिया कि हम पार्लियामेंट को या जमहूरियत का साथ तो आप जब देते ना, आप, आपका माहिदा तो नवाज शरीफ से था, आप कैसे इमरान खान का साथ देते, बात ऐसी नहीं थी, बात ये थी कि हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना चाहते, तो उस वक्त जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हुई थी ये तारीख साबित करेगी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड था जिसकी वजह से सेकेंड टेन्योर कम्प्लीट हुआ, और थर्ड टेन्योर का जब आगाज हो रहा था तो तमाम सियासी जमातें आपका ठीक है मौका या आपकी सोच हो सकती है उठाने को तैयार नहीं थी, शायद रमेश ये आपकी सोच हो सकती है उस आपके रवैये की वजह से, आपने समझने में खराब पार्टी की लीडरशिप की वजह से आज थर्ड टेन्योर आपकी ये सोच है, आपकी सोच की वजह से आपके इन फैसलों की वजह से क़यादत के आपकी पार्टी 4 सूबों की जंजीर थी सुकड़ कर सिंध के चंद अज़ला तक आ गई है, नहीं नहीं आप सिंध के चंद अज़ला तक, आज हम मेजोरिटी के साथ सिंध से आए हैं,
ठीक है, पहले से ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में। हमें यही कहा इसी प्रोग्रामों में, आप इस बात पे फखर हर इलेक्शन की बात करते हैं कि जी हम सिंध में मौजूद हैं, तीन सूबों में नहीं है तो क्या हुआ? देखें जी, आपने अभी तो एक सुबह की पार्टी है आपकी। नहीं नहीं, अभी हम पंजाब में, आप नहीं पंजाब में भी हम पहले में आप देखिए कहां पर हैं। केपीके से भी हम सीट लेके आए, पंजाब में पहले से ज्यादा हमारी बेहतर चार सीटें, इतने तो आजाद उम्मीदवार जीत जाते हैं। ये तो वो इंतखाबात है ना जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने धांधली और अदम है, तो आप भी धांधली का इल्जाम लगा रही हैं। बिल्कुल, हमने भी कहा धांधली अंदरूनी सिंध में नहीं हो सकी। धांधली हुई है तो एहतजाज में क्यादत शरीक नहीं होती आपकी कि जी नहीं धांधली तो हुई लेकिन हम शरीक नहीं होंगे, चैलेंज नहीं होंगे। अंदरूनी सिंध में वहां नहीं हुई धांधली, कराची में हो गई धांधली, पंजाब में भी हो गई धांधली, धांधली अंदरूनी सिंध में क्यों नहीं हुई? देखें जी, अंदरूनी सिंध में भी धांधली की तो बड़ी कोशिश की गई, सबसे पहले जीडीए वहां किसने रोक लिया और तमाम एंटी पीपल्स पार्टी कुवतें जो है उनको मुस्तहकम किया गया और पीपल्स पार्टी को सख्त, वो वहां तो वे भी सीएम भी बन गए थे, कैबिनेट भी बन गई थी और उन लोगों को लाने की भी कोशिश की, लेकिन अवाम ने उसको मुस्तरद किया। तमाम की ताकत यहाँ नहीं थी, पंजाब में नहीं थी, केपी में नहीं थी। आपने देखा कि पूरी तमाम पार्टियां जो हैं वो शोर मचाती रही, रात गए तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिजल्ट रोक लिए गए। आप सोचिए कराची के सिंध के हवाले से जीडीए वाले शोर कर रहे हैं कि जी वहां ठीक ठाक किस्म की धांधली की पीपल्स पार्टी ने। आवाम ने अब फॉर्म 45 लिए बगैर निकल नहीं सके, यहाँ कराची के अंदर दिए नहीं। लियारी में क्या हुआ? लियारी में भी धांधली हुई, रिगिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ और वहां से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को एक साबित जाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसने शिकस्त दे दी। ऐसा इसका मतलब जहां भी शफाफ इलेक्शन होंगे यह हाल होगा। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स काम नहीं किया इसलिए हार गई। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पानी वहां नहीं दे सके आप, रोजगार उनको नहीं दे सके आप, लियारी में गैंग वॉर के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया आपने, ये हकायक नहीं बनाया गया। लियारी के अंदर जितना काम 10 सालों के अंदर हुआ कराची के अंदर, मैं कहते लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई, मेडिकल कॉलेज भी, यूनिवर्सिटीज भी, स्कूल भी, पानी भी, हर चीज लियारी को दिया गया। लेकिन वहां पर जिस तरीके से 3 दिन के बाद आप कह रही तमाम चीजें दे दी, पानी तक नहीं है वहां, जिसकी वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया, नाराजगी का इजहार किया। ये पहली बार ऐसा हुआ भुट्टो साहब के दौर से लेके अब तक। हो सकता है कि एक वो जो सामने आप अभी खुद कह रहे हैं कि एक जियाला, वो भी तो पीपल्स पार्टी का था ना। मैं कहा ना नाराजगी, नाराजगी उसने निकल कर बताया आपकी पार्टी से कि जी मैं यहाँ था, कुछ काम नहीं कर रहे थे, इस पार्टी में आ गया हूँ, इनका विजन बेहतर है, लोगों ने वोट दे दिया। मुल्तान से रिजल्ट जो है वो 7 बजे आ जाता है और आपको कराची का, लियारी का रिजल्ट 3 दिन के बाद दिया जा रहा है। उन्होंने सिंध से जीत कैसे हो गई? क्या कारकर्दगी थी आपकी? कारकर्दगी नहीं थी तो जीत कैसे हो गई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कारकर्दगी थी तो अवाम ने भरपूर तौर पर क्या कारकर्दगी थी? कराची समेत लाड़काना की बात कर लूं, पूरे सिंध में 90% फुजला मिला पानी दस्तयाब है, पानी तक नहीं दे रहे आप साफ शफाफ लोगों को, और उसके बावजूद आप इस आसरे में रहें कि जीत भी जाएंगे आप। अब कैसे जीते? आप खुद कह रही हैं धांधली हुई है, आप तो खुद कह रही धांधली हुई है पूरे पाकिस्तान में, तो फिर सिंध के अंदर कैसे जीत गए? तो ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि धांधली पूरे पाकिस्तान में हो गई, हम तो कहते हैं सिंध में भी हुई है धांधली। जो जीडीए का अलायंस बना के पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए इतने बड़े बड़े इत्तेहाद बनाए, एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतें जो है वो जमा कर ली गई, उसके बावजूद अगर आवाम ने मुस्तरद कर दिया सिर्फ इस वजह से कि पीपल्स पार्टी काम करती है, आप थर जैसे इलाके में आज जाकर देखें, पंजाब में कर रहे हैं यही बात, केपी बलोचिस्तान और लियारी में लोग कर रहे हैं कि आप काम नहीं करते इसलिए मुस्तैद कर दिया। ऐसा हरगिज नहीं है, पंजाब में भी हम पहले से ज्यादा बेहतर पोजीशन में आए, केपीके में भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो हम उससे बेहतर कहीं फेयर नहीं हुए सिवाय अंदरूनी सिंध के। पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है डॉक्टर महफूज यार खान साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शायद वो समझे हो इस बात को। अस्सलाम वालेकुम महफूज यार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सरवर भाई, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बात हो रही है डॉक्टर महफूज यार खान साहब के, अंदरूनी सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कामयाब हुई, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब मौजूद हैं, वो ये कह रही है जी वहाँ धांधली नहीं हो सकी इसलिए हम कामयाब हो गए, बाकी पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है इसलिए हार गए हम। ऐसा नहीं कहा कि धांधली नहीं हुई, धांधली की पूरी कोशिश हुई, नहीं हो सकी ना, मतलब आपने नाकाम बना दिया, नाकाम बना दिया, नाकाम बना दिया आपकी जालों ने, नाकाम ने बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो भी सूबों में हुकूमतें बनाई है जिन जमातों ने भी, वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के बनाई है, वो सिंध में पीपुल्स पार्टी हो, सरहद में और बलूचिस्तान में और सरहद में और पंजाब में जो भी जमाते थी। अच्छा, ये आपकी नजर में हकायक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत बना ली, तो जीडीए किसने बनाई थी मेरे भाई?
मेरी अर्थ तो सुनने बहन मेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शायदा बाजी, बहुत इज्जत है मुझे आपकी, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। आपको जो स्क्रिप्ट दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अच्छा ये हकायक है ना फिर तो, ये शायद रहमानी साहब आप जो स्क्रिप्ट के मुताबिक अगर बात कर रही हैं वो बात, स्क्रिप्ट अगर होता तो फिर जीडीए नहीं बनाई जाती, उनको इस तरह प्रोडक्शन, ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, वो कह रहे हैं जीडीए बनाना और आपको जितवाना, नहीं ऐसा ऐसा हरगिज नहीं था। पीपल्स पार्टी को तो टफ टाइम दिया गया पहले भी और अभी भी दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो तमाम जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें जो है वो मुस्तहकम होकर पीपल्स पार्टी को खत्म करना चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी चूंकि आवाम के दिलों में रहती है और उसको जिया आमिर जैसे डिक्टेटर खत्म नहीं कर सका, तो आप जरदारी वो इसका बड़ा जबरदस्त एक तजियाकार ने जवाब दिया, जिया नहीं खत्म कर सका, जरदारी साहब की सियासी वसीरत ने पीपल्स पार्टी को एक दिन देखना नसीब कर दिया है कि सिंध तक महदूद हो गई। स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था जी जी बलूचिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शन के वक्त और बलूचिस्तान की असेंबली को तब्दील करते वक्त सेनेट के चेयरमैन तक, वहाँ भी तो किरदार है ना आसिफ अज़हर साहब का, किरदार नहीं किया उसको, वो हाउस चेंजिंग थी जो दिया गया था स्पीकर के इलेक्शन से लेके वजीर आजम और सदर के इलेक्शन तक, इन्होंने पूरी कोशिश की और उन्हीं खतूत पे चलते रहे जो उनको लिख के दी गई थी। अच्छा अगर ऐसा है डॉक्टर महफूज यार खान साहब, तो फिर नैब के केसेस में क्यों सुबह शाम भुगत रहे बेचारे, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, असल में ये दिखाते खब्बा है मारते सज्जा है, अगर ये केसेस इस वक्त ना चलते तो इनका कैंडिडेट भी नहीं होता। अच्छा यानी स्क्रिप्ट पे अमल दरामद कराने के लिए ये केसेस उठाए गए। हाँ देखे ना कहाँ कहाँ से शहद की बोतलें निकल रही हैं और वो शहद जो है वो इस पे तो कम से करने में करें ना, जिस तरह की शहद की बोतलें जैतून जो चीजें निकली वहां से कि ये गलत, देखें जी वो चीज एक शख्स से जाती है, कम से कम तो कहें आप, तो आप लोग दिफा करना शुरू कर देते हैं, एक शख्स से बोतलें बरामद हो रही हैं तो कहें कि यार बिल्कुल गलत किया है, जब चीफ जस्टिस साहब खुद गए हैं खुद देख रहे हैं खुद इंक्वायरी करे तो उस पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूं, कह दिया कि मैं जब गया था तो दोनों शराब की बोतलें थी, वो कह रहे हैं ना, अब उस पर इंक्वायरी कमेटी बनी, वो जो वो तो इस वक्त कुछ भी कह सकते हैं, मैं क्या कहूँ, वो अब वो शर्जील मेमन साहब के खून का नमूना वो तो क्लियर आ गया, निगरानी में करवाएंगे सर, अब तो डीएनए की बात भी हो रही है, सब कुछ करवा लें, सब कुछ इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती रही साजिशें, अब भी टेस्ट कराया फिर भी कह दिया कि जी ये अगर टेस्ट भी आपने करवाया, लेबोरेटरीज भी आगा खान की थी, को ये नहीं थी कि वहां से जियाउद्दीन की अपनी लेबोरेटरी, अच्छा पॉजिटिव आ गया था तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करती, निकाल देते पार्टी से उसको, हमने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा, आप सैंपल ले गए आप सब कुछ ले गए आप सब कुछ कर रहे थे, जब भी हमने कहा वो साफ सुथरा आदमी था, अगर वो गिल्टी होता तो हम ये एकदम करते हैं, देखिए अगर कोई शख्स गिल्टी है या किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा अदालत ही देगी, अदालत देगी, आप कुछ नहीं हम तो ना दे सकते हैं, ठीक है असल बात ये है, पीपल्स पार्टी ने एक्शन नहीं लेना, ये कुछ भी करता रहे उनका वजीर, ठीक नहीं बात ये है कि कोई भी शख्स है कोई वजीर है या कुछ भी अगर उसने कोई जुर्म किया है तो सजा कोर्ट भी देंगी, जाहिर कानून के मुताबिक दी जाएगी, अब चीफ जस्टिस साहब अगर वहां पर गए वो सब जेल थी, ठीक है वहां पर ये सब चीजें पहुंची कैसे, और अगर पहुंची उनके मुलाजिम लेकर गए तो साबित हो गए, अगर वहां पर इतनी वो नहीं कर सके और वहां पर पहुंच गए वो चीजें निकली तो वो उसकी इंक्वायरी करे, उन्होंने खून टेस्ट कराया वो क्लियर आ गया, फिर वो सारी चीजें, अब ये तो उन कोर्ट का और कानून का और इसका मामला, मैं तो मानने थी ना नहीं, आप नहीं थी, हम उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि जी जिसके कंधों पर बैठ कर आप हुकूमत बना ली आपने, अभी तो आप बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो उस पर बात नहीं कर रहे, नहीं मैं इसी बात कर रहा हूँ, हमने बैठ के हमने आवाम की आवाम ताकत के सरचश्मे आवाम की कुव्वत से ये ताकत लियारी में पंजाब में केपी बलोचिस्तान में क्या हुआ आपके साथ करने की कोशिश की गई थी, वो आवाम के हम मशकूर हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी पे फिर एतमाद किया और लेकर आए, और इंशाल्लाह फिर देखिएगा कि आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट विफाक में होगी और चारों सूबों में होगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी ना कभी मिली है, हमने तो जो नुकसान उठाया है वो नाकाबिले तलाफी है, चाहे वो शहीद अली भुट्टो की शक्ल में हो, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शक्ल में हो, हाँ आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल कैद पाबंद सलासल रखा गया और कोई जुर्म साबित नहीं कर सके, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते तो आज ये नैब के केसेस और ये इस तरह के जीआईटी वगैरह का बनना ये सब कुछ ना हो रहा, ये फिर प्रेशर में मुख्तलिफ बैंकों के जो अकाउंट है करोड़ रुपए मुलाजमीन के नाम पर, ये कहां पे जस्टिफाई होंगे, कौन सा बैंक करेगा,
लवाई साहब तो बेचारे अभी दिल के दौरे में फिर लेट जाएंगे, तो ये होगा क्या आगे? हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में लोगों को हक बोलने की, हक सुनने की और हक करने की सलाहियत दे, और अपनी जबान के शर से भी महफूज रखे और कानून की गिरफ्त से भी आजाद रहे। सर आप लोग इत्तेहादी रहे बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस बार तो अगर पीटीआई से हाथ मिला लिया आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ दिया सर? फितरी इत्तेहादी थी तो आपके दर हमारा इनका जो साथ था पीटे मिली हुई थी, ये अपनी समझा रहे थे, ममती समझा रहे थे, इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर वाटर बोर्ड, केबीसीए और इन तमाम लोगों को जो है ये अलग कर दिया, और शहर में जो है वो मामला जो है थे वो खुद चला रहे थे। आपने कराची कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तबाह करने के तमाम इंतजाम कर लिए। सर क्यों किया इन्होंने ऐसा? आपको क्यों लगता ऐसा ऐसा क्यों किया होगा आपके ख्याल में? वोट नहीं मिलता यहाँ से पीपल्स पार्टी को, इसलिए में ये शहरी वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को अट्रैक्ट नहीं करता है, और इन्होंने चूंकि कोटा सिस्टम और मुहाजिरों के साथ जो ज्यादतियां की है उसका ये रिजल्ट है कि शहर में इनको कभी पजीराई हासिल नहीं हुई। आज भी मशीती पाकिस्तान में मैसूर या बांग्लादेश इनकी वजह से पड़े हुए हैं। अगर राबता आलम इस्लामी ट्रस्ट में ताइम अली शाह साहब मेंबर दे देते तो जो लाखों डॉलर जो पड़े थे इनकी रिपेट्रेशन हो जाती, लेकिन इन्होंने बिहारी ना खते का नारा लगाकर इस सिंध में जो कुछ किया उर्दू स्पीकिंग के साथ उन्हों को लालकाना और दीगर शहरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी वजह से आज हम कहते हैं मथुरुका सिंह मथुरुका सिंध पर अब इंतजामी यूनिट और अपना सूबा बनाएंगे, ताकि शहर की शहर के रहने वाले उनको उनके हुकूक हासिल हो। और वो अब मथुरुका सिंध की बात कर रहे हैं और आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो सुन रही हैं आप कि क्या कुछ करते रहे माजी में महाजीन के साथ। क्या बात की है, अब मुझे बात करने दीजिए। अब आप मेरी बारी है कि एक एक करके मैं आपका जवाब बोल के नहीं, अभी आप और बोल रहे हैं फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ और बोले नहीं आप और बोले मैं जवाब देती हूँ फिर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिंध में जितना महाजिर दो दफा महाजिर हुआ नसीराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू बोलती महाजिर नहीं, मैं पाकिस्तानी में किसी कैंप में नहीं रह रही, मुझे वापस नहीं जाना हिंदुस्तान में, यहीं रह रही, मैं महाजिर नहीं हूँ। मुझे इस पाकिस्तान ने शनाख्ती कार्ड भी दिया, मुझे इस पाकिस्तान ने पासपोर्ट भी दिया, मुझे इस पाकिस्तान ने शनाख्त भी दी, तो लिहाजा मैं तो महाजिर नहीं। मेरी आप नहीं होंगी महाजिर, मैं तो महाजिर हूँ। हाँ तो आप महाजिर तो जाए, कहाँ जाना है आपको? हमने हमारे लिए तो पहले भी लोग कहते थे समंदर। मैं अब आपको जवाब, आप बात कर लें या मुझे जवाब देने दें? चलें आप जवाब दें। डॉक्टर महमूद खान साहब आप सुनिए सर, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब की जबानी इन्होंने बात की मैसूरीन की, तो इनको शायद याद नहीं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही लाकर उनको सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, पंजाब में, औरंगी टाउन में, जो बड़ी तादाद में आज अपने आप को बिहारी भी कहते हैं उसके अंदर, और तमाम लोगों को लाकर बसाया। बात इन्होंने की कोटा सिस्टम की, भाई आप 2002 से फुल ताकत के अंदर थे, आपको मुशर्रफ साहब ने, जनाब मुशर्रफ ने अपनी कुव्वत अपनी ताकत मुक्का लहरा लहरा के कहा, तो फिर भी आप कोटा सिस्टम नहीं ख़त्म करा सके, फिर पीपल्स पार्टी का रोना रो रहे हैं। हम तो बहुत बुरे थे ना, फिर आप हमारे साथ शरीक इख्तदार भी हो गए, फिर आपने 5 साल तमाम फंड भी लिए, बिला शिरकत गैरह कराची के मालिक भी बने रहे, और फिर आप कोई सिस्टम नहीं ला सके, ना पानी का सिस्टम बेहतर बनाया, ना सेवरेज का सिस्टम बेहतर बनाया, तमाम इदारों को कराची के आपने तबाह कर दिया, वाटर बोर्ड का जो हाल किया वो आपने किया, केबीसीए जो उस वक्त था उसका आपने बुरा हाल कर दिया, बल्दियाती इदारे आपने तबाह कर दिए, फिर आप आज किस बात का रोना रो रहे हैं? वो तो शुक्र करें कि गुज़िश्ता 5 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की सड़कों को दोबारा असर नौ जो है वो बेहतर किया, आज सड़कें कुशादा भी हैं, सड़कों पे ट्रैफिक भी रवा दवा है, आज वो ट्रैफिक जाम भी नहीं होता। और जहां तक पानी का ताल्लुक है तो जब पार्टी कराची की आबादी बढ़ रही है, साहब ये तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब ने,
मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ या तो या आप कराची में पानी का मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल करेगी और देख लीजिएगा इस 10 साल से मौजूद है। हम पानी का भी मसला हल कर लेंगे, जहाँ इतने मसाइल हल किए हैं, जहाँ पे हमने गार्बेज का मसला हल किया, जहाँ पे हम मसला किया, जहाँ पे हम ट्रैफिक का मसला हल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम ये पानी का भी मसला हम ही हल करेंगे। आपके अंदर वो अहलियत नहीं थी कि आप हल कर, आपके अंदर अगर वो अहलियत होती तो आप हल कर चुके होते। अच्छा वो बसें जो आनी थी वो कहाँ चली गई, जो कराची के लिए मंगाई थी जिसमें से 10 आई बाकी 200 कहाँ गई, यार सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा था। इसे पूछ लेते हैं, छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, फौरी तौर पे छोटा सा ब्रेक ले लें। यहाँ पर मैंने भरपूर जवाब दिया है एमकेएम के महफूज यार खान साहब ने, इतने सवालात किए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो बात की कि 10 साल पिछले हुकूमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिर्फ 3 करोड़ की आबादी को 10 बसों का तोहफा दिया है, ऐसा क्यों है, ये कराची वालों से खास दुश्मनी क्यों है, या इतना प्यार है इनसे कि 3 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 10 बसें, इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक की बात कहीं में जाएगा हमारे साथ ही। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हम बात कर रहे हैं जनाब बिलखसूस सिंध के हवाले से कि दरकियाती काम क्यों नहीं हो सके, सिंध में दस्तयाब जो पानी है 90% फजला मिला पानी है। वज़ीर तालीम सिंध का बड़ा एक अहम बयान मेरे सामने मौजूद है सरदार अली शाह साहब का, उन्होंने तस्लीम किया जिस तरह पिछले दिनों मराद अली शाह साहब ने तस्लीम किया था कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इस तरह उसे उन्होंने तस्लीम किया कि अनपढ़ असातज़ा की भर्तियों ने तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, सिंध में तालीम की हालत पर रोना आता है। ये बहुत बड़ा इतराफ़ किया आपके वज़ीर साहब ने, और ये इतराफ़ नामा इस बात की गमाजी करता है डॉक्टर शाहिद रहमानी साहब, 10 साल आप ही की हुकूमत थी और आप ही के दौर में 10 साल में क्या कुछ कर दिया, आप खुद मान रहे हैं कि बड़ा गर्क हो चुका। देखिए इस इतराफ़ के बाद इस्तीफा नहीं बनता, आप क्या समझते हैं? पहली बात तो ये कि आपने एजुकेशन की जो बात की और सरदार शाह साहब ने जो कहा, पिछले 5 सालों में तो आपने देखा कि कोई भी किसी को कोई नौकरी नहीं दी गई, बल्कि वो जो उससे पहले जो 5 साल पीर मजहर के साहब के दौर में जो भी नौकरियों के बारे में हुआ बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और उसकी इंक्वायरी भी की गई और जो उसमें मुलविस हैं उनको उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकी और उनको फिर बाकायदा जो टीचर्स अपॉइंट हुए थे उनमें से कई ऐसे थे जिनको मुलाजमतों पे नहीं रखा गया, रोक दिया गया था, जिसमें शायद अरबी या मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज के टीचर्स थे उनकी रोक दी गई थी, इससे बड़े एहतजाज हुए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, हमारे अपने वर्कर्स ने किया कि जी आप नहीं दे रहे, लेकिन बात ये होती कि मेरिट पर दिया जाएगा, कोर्ट में केस था जब तक फैसला नहीं आता नहीं किया जा सकता, और ये एक अलमिया था कि उस दौर में जो हुआ, और बिल्कुल मैं कहती हूँ अगर कहीं गलती हो बर्मला एतराफ़ करके उस गलती को सुधारना चाहिए। पिछले 5 साल में जब पीछे साहब भी थे हमारे निसार साहब और उसके बाद जहाँ मेहताब साहब मिनिस्टर थे उस दौर में भी ट्रांसपेरेंसी को सामने रखा गया, मुख्तलिफ जो NTS वगैरह के टेस्ट हुए तो उसके थ्रू भर्ती की गई, तो ये भी एक अच्छा था मेरिट के ऊपर, और उसके बाद जो थम वेरिफिकेशन वाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया और जितने इस तरह के असाज़ा से आप यकीन कीजिए कि मैंने कई असाज़ा से बात की जो इसलिए भागे थे कि जी थम वेरिफिकेशन हो रहा है और अब हम नहीं कर सकते जो मुख्तलिफ जॉब कर रहे थे। सिस्टम आपने इमरजेंसी नाफिज की सिंध में तालीमी लिहाज से, 2010 में 42 लाख बच्चा स्कूल जाता था प्राइमरी में, अब वो 40 लाख रह गया, 2 लाख वहाँ से भी बच्चा उठ गया। अच्छा यहाँ एहतजाज हुआ प्रेस क्लब के बाहर, असातिज़ा ने तनख्वाहों के हवाले से एहतजाज किया, उनकी तालीमी काबिलियत ऐसी थी कि उनसे प्राइमरी और सेकेंडरी की स्पेलिंग पूछी गई नहीं आ रही थी। ये मेरिट है आपका, एहतजाज वो क्यों कर रहे थे? तनख्वाहों की वजह से। क्यों तनख्वाहों की वजह से? तो आप बताइए ना, रोकी गई ना, अगर किसी के खिलाफ गई उनकी तालीम काबिलियत तो देखिए, ज़हनी सतह तो देखिए उनकी। मैंने आपसे कहा वो क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे वो? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, जब मैंने जब उनका मेरिट के ऊपर होने लगा, तमाम चीज़ों को देखा जाने लगा, थम वेरिफिकेशन हुआ, सैलरीज रोकी गई, इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख कर, तो वो सारी चीज़ें वो सड़कों पर आ गए, एहतजाज करने लगे, ये तो दिखा रहे थे कि जी, लेकिन ये नहीं देख रहे कि सिस्टम को बेहतर करने में बहुत सी मुखालफतों को आपको सामना करना पड़ता और हमने किया और हमारी लीडरशिप का ये विजन
डिसीजन है कि हमें एजुकेशन की जो सूरत हाल है उस पर एमरजेंसी, जो आपने कहा कि पहले भी नाफिज की थी, अभी भी हमारी लीडरशिप ने कहा है कि सबसे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपको एजुकेशन को देनी है, और हर बच्चा जो है क्या इस दिया आपने? घूस स्कूल हजारों की तादाद में सिंध में है, इस वक्त जो है वहाँ ओताक बनाई हुई है या जानवर बांधने में, चीजों को खत्म किया जा रहा है, और यही वजह है 10 साल हुकूमत करने के बाद भी आप कह रही हैं अब खत्म किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा गुज़िश्ता 5 साल में कितने अपॉइंटमेंट किए आप बताएं हमें। अपॉइंटमेंट नहीं हुई जो पहले जो भर्ती किए हुए थे आपने, कौन कर रहा था? देखिए जो सियासी बुनियादों पर जो मेरिट पर भर्ती नहीं हुई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जो जिनको थम वेरिफिकेशन की वजह से निकाला गया, क्या किया आपने? देखें जी, वो जो कुछ था वो कानूनी कार्रवाई की गई, जो जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो ऑफिसरान थे, जो भी थे, बहरहाल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई। पीर मजहर साहब के बगैर हमने उनको मिनिस्टर बना दिया, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो तालीम के साथ ही खिलवाड़ आप करते रहे पिछले 10 साल, इसीलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी और इसके अंदर वो तमाम काम कर रहे हैं जो कि माजी में नहीं हुए थे। ये दिया आपने 42 लाख बच्चों में से अब 40 रह गए। अगर आज एक एजुकेशन मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस इदारे को देख रहा है, उस इदारे को बाकायदा सिंसियरिटी के साथ उसमें वर्क कर रहा है। गवर्नमेंट को बता रहा है कि यार आपने 10 साल हुकूमत की है तो क्या हल कर दिया इसका आपने? किसी चीज को हम सही करते हैं, तीसरी टर्म है आपकी, सेकंड टर्म में भी हमने सही करने की कोशिश की, और अब जो रह गया उसको हम थर्ड टर्म, इसका मतलब है कि 2 टर्म में आप सही नहीं कर सके, इसका मतलब है फिर काबिलियत पे शक शुबात उठते हैं आपके। ऐसा 10 साल आपको दे दिया आप सही नहीं कर सके, आप कह रहे हैं मजीद 5 साल दी जाए आपको, जब इदारे काम कर रहे होते हैं, आपकी गवर्नमेंट को जब सही होगा होते हैं, जब इदारे काम कर रहे होते मिला पानी तालीम का आप खुद मान रहे हैं, आपके वजीर बड़ा कर रखे, स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद है, डकैत आजाद है, वकार आजाद है, 10,000 खुफिया कैमरे लगाने थे वो नहीं लग सके, पानी की बूंद बूंद को कराची के बहुत सारे इलाके तरस रहे हैं, आपको जानती है कि हम वेस्ट साउथ और कोरंगी में आरओ प्लांट्स के जरिए समंदर के खारे पानी को मीठा बना के आवाम को देने जा रहे हैं। वो काम जो एमक्यूएम नहीं कर सकी वो काम अब हम करने जा रहे हैं कराची में। हमने एमक्यूएम पे क्यों आप हुकूमत में 10 साल, आप 10 साल सुबह आपके पास रहा है, अब हम काम कर रहे हैं एमक्यूएम कराची से जीतते हैं, आप कर रहे हैं और काम करके आपको दिखाएंगे आप सड़कें बेहतर हुई हैं। क्या ताल्लुक इस बात से? नहीं है ना, वज़ीर आला आपका था ना, जब उनका था तो उन्होंने नहीं किया ना, उनका वज़ीर आला कब था? मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहे हैं, अरबाब साहब के दौर की बात कर रहे हैं, पार्टी के दौर में भी उनके लोग थे और बिला शिरकत वगैरह इस कराची के मालिक बने थे, वो तो बार बार नाराज होकर जाते रहे, हमेशा ये कहते थे कि जनाब काम करें, ये काम नहीं करते थे हम बाहर आ जाते थे, फिर ये वादे करते थे हम करेंगे काम, हम फिर अंदर आ जाते थे। आज पीटीआई से कहते हैं कि जी ये 2 मिनिस्ट्री और दे दो तो हम ये कर देंगे, फिर वो 1 मिनिस्ट्री, तो वो इस तरह करते थे काम से, तो अगर उनको उनसियत होती, काम से प्यार होता, तो आज कराची का ये हाल करके नहीं जाते जिसको हमने संवारा है। हम संवार भी रहे और आप संवार रहे होते तो कराची से सीटें में इजाफा होता आपकी, आप तो मलिर की सीट हार गए, अब लियारी की सीट आपका चेयरमैन हार गया। आज कराची से हमारे तमाम तर धांधली के बावजूद 3 MNA, लास्ट टाइम 1 MNA 5 सीटें होती थी, हमारा लास्ट टाइम 1 था, और अब कितनी? हकीम बलोच साहब द्वारा अब कितनी है सुबाई? आप बताइए ना, ये तो आपके बकौल आपके धांधली होती रही यहाँ, तो लियारी में क्या हुआ? अब भी हमारी 5 सीटें ही हैं सुबाई और 3 सीटें हमारी MNA की हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हम तमाम तर धांधली के बावजूद आगे देखें जी, आपका चेयरमैन हार जाए मुतमईन है, हकीम बलोच साहब सीनियर आदमी है वो हार गए, हम हारे नहीं है ना, हमें हराया गया है, रिगिंग हुई है बाकायदा, और कराची के कराची में जिस तरीके से मुनज्जम अंदाज के अंदर 3-3 दिन के बाद 4-4 दिन के बाद रिजल्ट आ रहा है, लियारी और इलेक्शन कमीशन कितना दूर था? ये जो गोरख धंधा है नाजीन बड़ा अहम है कि पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है और रिजल्ट आता रहा 2-2, 4-4, 5-5 दिन के बाद, सिर्फ सिंध वाहिद सूबा अंदरून सिंध की अगर बात करें जहां धांधली नहीं हुई, ये कहना है नहीं, सिंध के अंदर भी बड़ी धांधली हुई है, ये बात नहीं कह सकते, कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आपने आपके जेलों ने मना कर दिया, स्वीप करते हैं लेकिन कई सीटें हमसे छीनी गई हैं, जिस तरह बदीन की सीट में हमारा कैंडिडेट जीते हुए थे चांडियो साहब, वहाँ पे हमें जबरदस्ती हराया गया, साहब खैरपुर से हार गए, उनकी पक्की सीट थी वो, अब आप क्या कहें, आपने धांधली की? हमने धांधली नहीं की, कैसे हार गए? धांधली तो सिंध के अंदर पूरी की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस हमने कुछ सीटें निकाल ली, वरना कोशिश तो ये थी कि क्लीन। सीनियर सहाफी तजयकार सलाउद्दीन हैदर साहब भी मौजूद, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन हैदर साहब। सलाउद्दीन साहब, डॉक्टर शाहिदा रहमानी MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, और वो ये बात करी कि पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई, हमने करने नहीं दी अंदरूनी सिंध धांधली, वरना वहां भी कोशिश तो थी करने की, बिल्कुल जीडीए बनाई गई, सारी चीजें की गई। सवाल विषय कर रही, जवाब दे रही नहीं, वो जवाब इसलिए दे रही है कि कंप्लीट हो जाएगा सवाल। देखिए सीधी सी बात है, सईद गनी और चीफ मिनिस्टर और पता नहीं कौन कौन, आगा सराज दुरानी, सब ये
दावे कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो समेत के हम कराची में स्वीप करेंगे इस दफा। बिल्कुल, मैं उनसे यही पूछा था सीट बता दो कहां से सीट मिलेगी तुम्हें। तुम लिसानी बुनियादों पे तुमने कराची को तबाह किया, महाजनों को तबाह किया, कराची को कचरा कुंडली बना दिया, तुमने उसके मेयर से इख्तियारात किए, तुमको कौन उर्दू स्पीकिंग वोट देगा? शहीद गनी बच गए किस्मत के धनी थे 14-15 हज़ार वोट लेकर के, वरना ये पीपल पार्टी का मैंने पहले कह रहा कि 2 से 3 सीटें बजे बनी थी, 1 सीट पर 2 सीट डेलिमिटेशन है पीपल पार्टी ने व्यवस्थित करवाई इलेक्शन कमीशन से कहकर, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? और वो दोनों सीटें जीते एक लहरी से तो हार गया, उजैर बलोच आर्मी कस्टडी में, उसने पता नहीं क्या उसने उसको जीतने भी दिए लहरी में, एक मामूली सा वर्कर पीपल पार्टी का शकूर वो बिलावल से जीत गया, बताइए कितने हज़ार वोटों से। ये शर्म की बात नहीं पीपल पार्टी के लिए, अंदरूनी सिंध में भुट्टो को वोट पड़ते हैं, पीपल पार्टी को वोट नहीं पड़ते, पीपल पार्टी अगले इलेक्शन में खत्म हो चुकी होगी। तो ये बड़ी अहम बात है कि अंदरून सिंध में भुट्टो के वोट पड़ते हैं, आपकी कारकर्दगी पे नहीं पड़ते, कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि वोट पड़े। देखिए जी, अपना इनका अपना तजिया हो सकता है, ये जिस तरीके की लसानिया तस्बियत की बू आ रही है इनके अंदर से, पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह ना कोई लसानियत है ना तस्बियत है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, शैला रजा उर्दू स्पीकिंग है, शेख मुल्ला फारूक, ना जाने कितने नाम है जो उर्दू स्पीकिंग कराची के अंदर, कराची के अंदर हम सियासत भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा उर्दू स्पीकिंग सिंधी सबको इज्जत दी, ये वो फूलों का गुलदस्ता है जिसके, ये वो विफाकी पार्टी है जो हर सूबे के अंदर जिसकी जड़ें मजबूत हैं। ये आप बात करें जो कि आप कराची से आज तक निकल नहीं सके, आप कराची से आज तक आगे नहीं जा सके, कितने नाम बदल लिए और आज आपको टूट फूट का शिकार है क्योंकि आपने लसानियत और असबियत के नाम पे कराची के हजारों नौजवानों को मरवाया। आपने कराची के नौजवानों से इन उर्दू स्पीकिंग जो कि आला तहजीब तालीम तमद्दन से आरास्ता होती थी उनका बद तहजीबी पे ले आए, उनके हाथ में कलम छीन के आपने उनको कलाशनकोफ कल्चर दिया। आप उनकी बात कर रहे हैं, आपने क्या दिया कराची को? आपने कराची के लोगों को तबाह कर दिया, आपने कराची के यंगस्टर्स को तबाह कर दिया, आपने पूरी एक जनरेशन को तबाह कर दिया इस लसानियत और असबियत के नाम पे। आपने कराची में क्या दिया? आपने गोलीबंद लाशें दी, आपने क्या कल्चर दिया यहाँ पर? आपने तालीम छीन ली, उनको नकल कल्चर पे लगाया, आपने कलाशन को दिया। अब आपने चूंकि इतनी बातें कर ली हैं, सलाउद्दीन अजहर साहब से रब्ता मुनकता हो गया। सलाउद्दीन अजहर साहब असल में एमकेएम में एक मिनिस्टर जरूर रहे एक बार, फिर छोड़ दी इन्होंने एमकेएम। और अच्छा सहावत सहावत आदात सहावत कर रहे हैं भुट्टो साहब के दौर से लेके अब तक, नहीं वो इसलिए कहा कि कोटा सिस्टम नाफिज किया आप लोगों ने, ये तारीख का हिस्सा है कि कोटा सिस्टम नाफिज किया भुट्टो साहब के दौर में। 2012 में आपने एतराज था तो ये 2002 से 2008 तक कराची के मालिक बने रहे तो ये खत्म कर लेते, ये 12 मई जैसे खून की होली खेले। पकड़ लेना, आप क्यों नहीं पकड़ ली? सानिया बल्दिया का क्या हुआ? आपकी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं पकड़ ले आप? सानिया बल्दिया का इंसाफ क्यों नहीं हो सका आज तक? आपने पकड़ लिया, मैटर चल रहा है, पकड़े गए हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट पे अफसोस का इजहार किया कोर्ट ने कि सब कुछ होते हुए भी वो शवाहिद पेश नहीं कर सके। आप गवर्नमेंट पेश कर रही है तो गवर्नमेंट आपकी थी ना, आप पेश करें। जो केस कोर्ट में चल रहा है जो कानून के मुताबिक चल रहा है, ये कोर्ट जब भी तो कहते हैं कि कोर्ट वो फैसलों को करे, कोर्ट में जितने मुकदमा। सलाउद्दीन हैदर साहब को सुनिए, आपने जो गुफ्तगू की शायद रमानी साहब, सलाउद्दीन हैदर साहब से मैं चाह रहा हूँ। सलाउद्दीन हैदर साहब, एक बात कर लूं साहब का, पीपल पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को बोल नहीं देते, शैला रजा हुई, शाजिया मरी हुई, ये जो सामने बैठी हुई है कि किसी को बोल नहीं देती, अपनी अपनी समझ में जो कह रहा था किसी को, मेरा हक है बोलना। आप कहां के से? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए जी सर। सब करेंगे, मैं प्रोग्राम कट कर दूंगा, इनका कभी भी नहीं आऊंगा प्रोग्राम में आप। नहीं नहीं सर, आप बोलिए, एक एक करके सर बात हो रही है। सीधी सी बात ये, अपने वक्त में बोले जो मर्जी बोले। जी जी आप बोलिए सर, इन्होंने बोलिए, आप उसके बाद आपकी बारी, उसके बाद से बात करेंगे। कराची के डेवोल्यूशन प्लान को चीफ मिनिस्टर ने किस काम के तहत अपने ऊपर सारे 11 साल का लिए, कराची का मेयर भटकता फिर रहा है, सर पैसे नहीं है, ये फोटो स्टेशन का आते हैं घूमते फिरते हैं अब्दुली शाह साहब, और फोटो स्टेशन होता कुछ नहीं है, अंडर पास बन रहा, लोअर पास बन रहा, जो बन रहा वो गिर रहा है, और ठेकेदार कहते हैं ये इनका हाल है। तो पीपल पार्टी के सिवाय भुट्टो के नाम पे वोट पड़ते हैं, मैं अभी भी कहूंगा, आज भी कहूंगा, खुद अंदरून सिंह से होकर आता हूँ इलेक्शन के अंदर, 4 दिन में गुजार के आया, 70 रोज़ा शरीदा मिर्जा उसका बेटा जीत गया, वो खुद जीत गई, जुल्फकार मिर्जा हार गया, जुल्फकार मिर्जा ब्लड प्रेशर था उसके, उसकी तफरी थी, वरना ये वजीन क्या आते क्या 16 अगस्त की आदि नून लीग में नहीं है पीपल पार्टी के साथ नहीं थे, 16 वजीन क्या आते गया था। अब ये तो ये खुद ये जरदारी साहब जब तक पीपल पार्टी के साथ है, बिलावल कभी भी जीत नहीं, ये सिंध के अंदर बाहर नहीं निकल पाएगा, पंजाब में उसकी वजह से सीटें भी जिनको वो भी नहीं मिलती। जी शाहर साहब, अख्तियारात किस कानून के तहत लिए आपने मेयर से सारा कुछ, इसी का जवाब आपने वाटर एंड सवरेज बोर्ड छीन लिया, केडीए छीन लिया। अरे
मेरी बात तो सुने ना, जब अभी इनके अंदर आपस में लड़ाइयां चल रही थी फारूक सत्तार साहब की पीआईबी की और बहादुराबाद की, तो उस मेयर से क्यों हिसाब मांगा जा रहा था, उस मेयर से क्यों पूछा जाता इतने पैसे मिले थे, वो कहाँ गए, कैसे कैसे इल्जाम, मतलब इन्होंने तो खुद इकरार किया कि हमें इतने पैसे मिले और वो पैसे कहाँ गए, तो वो सारी चीजें तो इनके अपनी बातों से नफी हो रही है कि इनको फंड्स भी मिल रहे हैं। इनका क्या काम है, जो इनके काम है लोकल गवर्नमेंट के वो काम तो करें, इनके अंडर में स्वीपर्स, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, टाइम खत्म हुआ, बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सलाउद्दीन हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।